एक जंगल में तीन अनाथ चिड़िया रहती थी, टूनी, मीनू और गोरी। तीनों बहनें एक टूटे फूटे घर में रहती थी जो उनके माता पिता छोड़कर गए थे। उनका घर इतना कमजोर था कि जरा सी तेज हवा से ही हिल जाता था। एक दिन टूनी कहती है, दीदी जंगल में बारिश शुरू हो गई है, हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा वरना हम तीनों इसी में दबकर मर जाएंगे। इसीलिए हमें ये घर टूटने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम घर के अंदर ही मर जाएंगे। हमें अभी अपना दूसरा घर देखना होगा। टूनी की बात सुनकर मीनू और गोरी दोनों सोच में पड़ जाती है और कुछ देर बाद कहती है, टूनी तुमने सही कहा, हमें अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इस घर से बाहर निकलना होगा। चलो हम तीनों कोई नया ठिकाना। कहकर तीनों बहनें बारिश में उड़ उड़ कर नए घर की तलाश करने लगी। तीनों बहनें ज्यादा उड़ने की वजह से थक जाती है और वो एक जगह रुक जाती है। वहाँ पर तीन पेड़ थे, एक पेड़ आम का, दूसरा पेड़ सेब का और तीसरा पेड़ सूखा हुआ है। ये देखकर मीनू कहती है, अभी तो बारिश रुक गई है और हमें आसरा लेना चाहिए तो इन तीनों पेड़ों पर ही लेना चाहिए। सुन गोरी, तुम उस सेब के पेड़ पर रहना और मैं इस आम के पेड़ पर रहूंगी। और सुन टूनी, तू उस सूखे पेड़ पर रहना, वो ये तेरे नसीब में है। अरे वाह, तुम दोनों ने वो फल वाले पेड़ ले लिए और मुझे मरा हुआ सूखा पेड़ दे दिया। वो दोनों पेड़ तुम ले लो, मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी रह लूंगी। उस सूखे पेड़ के नीचे रहने से तो मैं धूप में जलकर बरसात में बेकर मर जाऊंगी। तुम दोनों के साथ रहने से मुझे उस सूखे पेड़ पर नहीं रहना पड़ेगा। टूनी की ये बातें सुनकर गोरी चिड़िया कहती है, नहीं टूनी, मीनू ने जिस तरह पेड़ बांटे हैं हमें उसी पर रहना है। मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी तुझे मेरे पेड़ पर, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाली तू मेरी बहन है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती, और हाँ अब अलग होने का मौका आ गया है तो मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं रहूंगी। गोरी सही कह रही है टूनी, मैं भी तुम्हें मेरे साथ नहीं रख सकती। कितने दिनों बाद जिंदगी खुलकर जीने का मौका मिला है, उस मौका को मैं तेरे साथ रहकर बर्बाद नहीं कर सकती। टूनी अपनी ही बहनों के मुंह से इतना सब सुनकर बहुत हैरान होती है और रोते रोते कहती है, ठीक है तुम दोनों मुझे नहीं रखना चाहती तो मैं इस सूखे पेड़ पर ही रह जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों खुश रहो मेरी बहन। माता पिता के मरते समय मैंने वादा किया था तुम दोनों की खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन अब तुम दोनों को अलग रहना है तो रहो, लेकिन खुशी से रहना। ये कहकर टूनी उस सूखे पेड़ के पास जाती है और उस सूखे पेड़ की तरफ देखकर कहती है, शायद आज आप सूखे हुए पेड़ हो, लेकिन मैं इस सूखे हुए पेड़ की इतनी देखभाल करूंगी कि एक दिन ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। टूनी अपने सूखे हुए पेड़ के साथ बहुत मुश्किल से दिन गुजारती थी और दूसरी तरफ मीनू और गोरी आम का पेड़ और सेब का पेड़ लेकर खुशी से रहती है। एक दिन गोरी अपने पेड़ के कुछ सेब तोड़कर मीनू को देने जाती है और सेब देकर लौटते समय टूनी से मुलाकात हो जाती है। अरे गोरी, मीनू के घर तू सेब देने गई थी, कुछ सेब तू मुझे भी दे सकती थी, मैं भी तो तेरी बहन ही हूँ। मैं कितनी मुश्किल से इस सूखे पेड़ के नीचे रहती हूँ, तुम दोनों को मुझ पर थोड़ी सी दया नहीं आती। तू बहन है तो मैं क्या करूँ, तू मुझे कुछ दे सकती है। मीनू तो मुझे अपने पेड़ के आम देती है खाने को और मैं बदले में उसे सेव देती हूँ, समझी। दूसरों की चीज पर नजर डालना बंद कर टूनी, तू कैसे भी रहे इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर गोरी अपने सेव के पेड़ पर चली जाती है और टूनी अपने सूखे पेड़ के पास। टूनी हर रोज उस सूखे पेड़ को पानी देती और उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। टूनी को ऐसे उस सूखे पेड़ की देखभाल करते देख मीनू और गोरी उसका मजाक उड़ाती थी। टूनी तू पागल हो गई है, इस सूखे पेड़ में पानी डालने से क्या ये जिंदा हो जाएगा, तुझे आदत है फेंकी हुई चीज की देखभाल करने की। तू इस सूखे पेड़ की लकड़ी काट कर बेच दे और उससे कुछ पैसे मिले उससे अपने लिए कुछ सामान खरीद ले, तू एक बुद्धू है और पूरी जिंदगी बुद्धू ही रहेगी। टूनी मीनू की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। एक दिन गोरी अपना घर बनाने के लिए अपने आम के पेड़ की लकड़ी काटती है, तभी आम का पेड़ गोरी को कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे मत काटो, मैंने तुम्हें खाने को आम दिए और रहने के लिए जगह दी और तुम मुझे ही चोट पहुंचा रही हो। तुम मेरी ऐसे ही डाली काटती रही तो एक दिन मैं सूख जाऊंगा, मेरी डाली को मत काटो। आम के पेड़ की ये बातें सुनकर गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। चुप, एकदम चुप हो जाओ, मेरी जो भी इच्छा होगी वो मैं करूंगी, तुम्हें चोट लगेगी उसमें मैं क्या करूं? तू एक पेड़ है, तुम्हें कष्ट में देकर मैं क्यों परेशान हूं? मैं तेरी सभी डालियां एक एक करके काट कर कुछ डालियों से मैं अपना घर बनाऊंगी और कुछ बाजार में जाकर बेच दूंगी और उन पैसों से मैं अमीर बन जाऊंगी।
गोरी ऐसा बोलकर उस पेड़ की डाली काट देती है। आम का पेड़ दर्द से चीख उठा। आम के पेड़ की चीख सुनकर सूखा पेड़ टूनी से बोला, टूनी तुम मुझे भी काट डालोगी क्या? वो आम का पेड़ फल भी देता है फिर भी काट रहे हैं। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं देता, तो क्या मेरा भी यही हाल होगा? अचानक उस सूखे पेड़ की आवाज सुनकर टूनी हैरान हो जाती है। ये क्या, तुम तो सूखे हुए मरे हुए पेड़ हो ना, तुम कैसे बोल सकते हो? मैं पूरी तरह से सूखा नहीं हूँ, लापरवाही और उपेक्षा की वजह से दिन प्रतिदिन मैं सूखता गया। भगवान ने तुम्हें मेरे पास दूत बनाकर भेजा है, तुम्हारी देखभाल की वजह से मैं फिर से हरा होने लगा हूँ, नहीं तो मैं मर ही गया होता। सूखे पेड़ की बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और टूनी अब और ज्यादा देखभाल करने लगी उस सूखे पेड़ की। दूसरी तरफ मीनू और गोरी आम के पेड़ और सेब के पेड़ की डालियां काट कर लगभग मर्द बना देती है। एक दिन मीनू टूनी से कहती है, सुन टूनी, मैं एक सलाह देती हूँ, बाजार में लकड़ी के दाम बहुत ज्यादा है, तू अपने पेड़ को काट कर बेच दे। तू पागल है जो इस सूखे पेड़ की पूरे दिन देखभाल में लगी रहती है? मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ, मेरे हिस्से के सूखे पेड़ के साथ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ये मेरा फैसला है, तुम्हें क्या, तू जा सकती है यहाँ से। टूनी की ये बातें सुनकर मीनू और गोरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह टूनी देखती है वो सूखा पेड़ जिंदा हो गया और उस पेड़ पर ढेर सारे हीरे लगे हुए हैं और टूनी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये कैसे संभव है, पेड़ पर हीरे कैसे लग सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। टूनी हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लापरवाही की वजह से मैंने अपनी ताकत खो दी थी और तुम्हारी देखभाल की वजह से मुझ में फिर से ताकत आ गई, मैं पूरी तरह हीरे से भरा हुआ हूँ। तुमने मेरी देखभाल करी और मुझे फिर से चंगा किया, तुम इन सभी हीरों की मालकिन हो। पेड़ की ये बातें सुनकर टूनी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ मीनू और गोरी टूनी के पेड़ पर हीरे देखकर बहुत परेशान हो गई। टूनी को सूखा हुआ पेड़ दिया था और उस सूखे पेड़ पर हीरे लगे हैं और हम दोनों बहनों ने साधारण पेड़ को चुन लिया था, कितनी मूर्ख है हम दोनों। दूसरी तरफ टूनी उन हीरो की वजह से बहुत अमीर हो जाती है और खुशी खुशी से रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।